नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या, स्वागत है आपका 7 PM शो में। आज हम बात करेंगे टीएमसी में वापस लौटे मुकुल रॉय के साथ नुसरत जहां पर दिलीप घोष के लगाए आरोपों की छड़ी पर। इसी के साथ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के केंद्र सरकार पर लगाए आरोपों और प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच हुई मीटिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी को एक और झटका लगा है। कृष्णानगर दक्षिण से विधायक मुकुल रॉय अब दोबारा टीएमसी में शामिल हो गए हैं। शुक्रवार दोपहर मुकुल रॉय ने टीएमसी दफ्तर पहुंचकर पार्टी की सदस्यता हासिल की। इससे पहले उन्होंने पार्टी मुख्यालय में ममता बनर्जी और दूसरे नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की। मुकुल के साथ उनके बेटे शुभांशु रॉय भी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर बिहार में एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना घटी है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी से मिलने उनके आवास पहुंचे। बताया गया है कि दोनों के बीच मुलाकात एक बंद कमरे के अंदर हुई, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि इन दोनों के बीच मुलाकात की वजह क्या होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, देश में बारिश का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में मानसून के दस्तक देते ही मुंबई में बारिश के चलते हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र बनने से बंगाल और उड़ीसा सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। दिलीप घोष ने शुक्रवार को नुसरत जहां को निशाने पर लेते हुए उनके हालिया बयानों को लेकर धोखेबाज कहा है। बता दें, नुसरत ने कहा था कि उनका विवाह भारत में वैध नहीं है क्योंकि उन्होंने तुर्की में वहां के रीति रिवाजों के अनुसार शादी की थी। साथ ही दिलीप घोष ने अपने बयान में कहा कि ममता बनर्जी कैसे किसी की शादी में जा सकती हैं जब वे व्यक्ति शादीशुदा है ही नहीं। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया, वे बेहद कमजोर नजर आए। 98 साल के दिलीप कुमार का यहां 5 दिन से इलाज चल रहा था। रविवार को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें यहां भर्ती किया गया था। जांच में पता चला कि उनके लंग्स में पानी भर गया था। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री दिल्ली सरकार को गालियां दे रहे हैं, ये उनके संस्कार हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सभी निर्णय सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ने के बाद लिए हैं। बीजेपी तो भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद चुनावी रणनीति के काम से ब्रेक ले चुके प्रशांत किशोर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के बीच शनिवार को तकरीबन 4 घंटे की लंबी मुलाकात हुई। शरद पवार की मुंबई स्थित सिल्वर ओके बंगले में हुई इस मीटिंग के बाद महाराष्ट्र में फिर से कयासों का दौर शुरू हो चुका है। चर्चा ये है कि प्रशांत किशोर NCP के साथ बतौर रणनीतिकार अपनी दूसरी पारी शुरू कर सकते हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा पवार की UPA अध्यक्ष के साथ विपक्ष का चेहरा बनाने की भी है। आज के शो में बस इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे देश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।